बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 4.1 मैं आपको करवा रही हूँ। 4.1 के मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करवा चुकी हूँ। आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं आपसे फाइंड द सीक्वेंस बाय यूजिंग, आपने सीक्वेंस फाइंड करनी है, यूज़ करना है अपने टी एन प्लस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 टी एन का फॉर्मूला, वेयर टी 1 इज इक्वल टू 2, जबकि टर्म नंबर 1 जो है वो क्या है आपके पास 2 मौजूद है। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन जैसा ही क्वेश्चन है आपके पास, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिया गया है चेंज कर कर के, ये चेंज क्यों की गई है, उन्होंने टी एन प्लस 1 कर दिया, टी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 टी एन। ठीक है, अब आप टर्म नंबर पुट करते जाएंगे और फाइंड आउट करते जाएंगे। तो यहाँ पर हम पुट कर रहे हैं हेयर पुट n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन फॉर फाइंडिंग द सीक्वेंस। ठीक है, हमें सीक्वेंस फाइंड करने के लिए n को 1, 2, 3, 4, 5 पुट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं पुट n इज इक्वल्स टू 1, तो t n की जगह 1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 t n की जगह 1, टी टू हो गया ये 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 हो गया 2 टी 1। अब टी 1 आपको क्वेश्चन में गिवन है हिंट के टी 1 जो है वो 2 के इक्वल है, तो टी 1 की जगह रखना है 2, तो ये हो गया टी 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 ज़ा 4। तो एन को 1 रख के आपने टी 2 को फाइंड कर लिया जो कि 4 है। ठीक है, इसी तरह से आपने पुट करना है एन इज इक्वल्स टू 2, एन को 2 पुट करें तो टी एन प्लस 1 यानी 2 प्लस 1, एन प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 टी एन, तो एन है 2, तो एन 2 प्लस 1, 3, 2 प्लस 1, 3 और टी 2 यानी टर्म नंबर 2 आपके पास आई है 4, यानी आप नेक्स्ट टर्म जो है वो प्रीसीडिंग टर्म की मदद से फाइंड आउट कर रहे हैं। तो टी 3 इज इक्वल्स टू 3, 4 ज़ा 12। इसी तरह से आपके पास नेक्स्ट टर्म आप फाइंड करेंगे पुट एन इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे हो जाएगा टी एन प्लस 1 यानी 3 प्लस 1, एन प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 टी एन, एन है 3, तो टी 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1, 4 टी 3, टी 3 है आपके पास 12, तो टी 4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय 12, तो ये हो जाएगा 48। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे एन इज इक्वल्स टू 4 पुट करके पुट एन इज इक्वल्स टू 4, तो टी एन प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 यानी 4 प्लस 1 टी एन, एन है 4, तो ये हो जाएगा टी 5 इज इक्वल्स टू 4 प्लस 1, 5, टी 4 की वैल्यू आप फाइंड कर चुके हैं 48, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 48 इज इक्वल्स टू 240। ठीक, इस तरह से आप करते जाएंगे सिंप्लीफाई और आपके पास जो है वो टर्म्स आती जाएंगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द सीक्वेंस ऑफ टी एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन प्लस 1 टी एन इज, सीक्वेंस क्या है भाई आपके पास, फर्स्ट टर्म थी 2, देन है 4, देन है 12, देन है 48 एंड देन है 240। और इस तरह से सीक्वेंस कंटिन्यू भी रहेगी क्योंकि आपके पास सीक्वेंस जो है वो एंड नहीं हुई है, हमने तो टी 5 तक जस्ट फाइंड किया है, मज़ीद भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बट हमने सिंपल इतनी फाइंड की है क्योंकि ये मैक्सिमम आपके पास बस 5 फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.1 का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।